बहुत सारे कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे थे कि सर ये जो जयपुर से एक केस निकला है कि 30 से 35 लाख के एवरेज में आंसर की प्रोवाइड की गई है, पेपर लीक इशू हुआ है, इसकी वजह से क्या रीनीट होगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके बारे में रिक्वेस्ट करने लगे, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि केस की सीवियरिटी क्या है, क्या इसकी वजह से वाकई में रीनीट हो सकता है, मीन्स पेपर आपका कैंसिल होगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझाया है आपको कि केस की सीवियरिटी क्या है। 2017 में भी ऐसे मामले आए थे जब राजस्थान और पटना से बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए थे, बहुत सारा पेपर का इश्यू था। उस समय क्या हुआ था, तब भी मैंने केस को ब्रेक किया था। आप ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिए ज़रूर। दोस्तों, नीट लीक इशू में मेनली क्या है, एक कमरे की कहानी है, मीन्स एग्ज़ाम सेंटर की कहानी है। रीट ये जयपुर का सेंटर है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इस एग्ज़ाम सेंटर के रूम नंबर 35 की कहानी है। पूरा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि मैं पूरा बता दूंगा आपको कि होने वाला क्या है। राम सिंह इन्विजिलेटर, ठीक, इस रूम नंबर 35 में थे। इनका कॉन्टेक्ट धनेश्वरी यादव, जो कि एक कैंडिडेट्स थी, जिससे हुआ था कि ठीक है, आपको हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे देंगे, पेपर आएगा और आपको 30-35 लाख रुपीज़ में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो इनके जो चाचा वाचा थे धनेश्वरी यादव के, कैंडिडेट्स के, इन्होंने ऐसी डील करवा ली थी राम सिंह से, इन्विजिलेटर से, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, राम सिंह ने ढाई बजे जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया धनेश्वरी यादव के पास, तो इन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल से ले लिया उसका स्क्रीनशॉट, सारे पेपर का स्क्रीनशॉट पूरा ले लिया, और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर को उन्होंने सॉल्वर के पास भेज दिया, सीकर में इन्होंने इसको भेज दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। इनका कहना था कि यहाँ से ये सीकर वाला बंदा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके राम सिंह को प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब राम सिंह के पास 4:30 बजे के करीब, मीन्स जब आपका क्वेश्चन पेपर लगभग समाप्त होने वाला होता है, तो राम सिंह के पास पूरा आंसर की आ गई, आंसर की राम सिंह के पास आ गई थी 4:30 बजे तक। और राम सिंह ने किया क्या, राम सिंह ने जो सॉल्वड आंसर की थी उसका कराया प्रिंट आउट, ठीक। राम सिंह ने वो प्रोवाइड कर दिया हार्ड कॉपी धनेश्वरी यादव को प्रोवाइड कर दिया कि आप बबल कर डालो। और यहाँ धनेश्वरी यादव का जो चाचा था वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर 10 लाख रुपए लेके खड़ा हुआ था कि आओ हम आपको 10 लाख रुपए अभी दे देंगे, बाकी जो भी डील हुई हो पता नहीं है। तो पुलिस की जो स्टोरी है वो केवल एक कमरे से स्टार्ट होती है और इसी कमरे में समाप्त हो जाती है। तो ये जो लीक का इशू है वो 2:30 बजे से लेके, जबकि आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, से 4:30 बजे के बीच में होता है। मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि उसके बीच में कैंडिडेट्स एग्ज़ाम सेंटर में ही होते हैं, मीन्स 2:30 बजे से पहले ही आपको एग्ज़ाम सेंटर में डाल दिया जाता है। मीन्स ये जो कहानी शुरू हुई वो एक कमरे से शुरू हुई, एक इन्विजिलेटर से शुरू हुई, एक कैंडिडेट से शुरू हुई और फाइनली उसी कैंडिडेट्स पे समाप्त हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धनेश्वरी यादव को जो कैंडिडेट्स है उसको जेल में डाला जा चुका है, बाकी जितने भी 8-10 मास्टरमाइंड है सबको गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक। तो अगर इस केस की सीवियरिटी देखें तो ये केस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। 2017 में तो इससे भी वाइड था, उसमें पटना में भी केस कई सारा लीक का इशू आया था, राजस्थान में भी आया था। तो ये जो पूरा सिनेरियो ये एक कमरे में बंद होके रह जाता है, मींस ये क्लोज डोर में हुआ है और वो भी पकड़ा गया है। मींस यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी आपके बगल वाले कैंडिडेट्स के साथ या आपके साथ,
तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो इस केस की सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये केस इतना स्ट्रांग हो सकता है कि रीनीट आपका करा देगा, रीनीट करा देगा, तो गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो पुलिस की स्टोरी है, पुलिस स्टोरी है, वो यही कहती है, ठीक है, कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन में ही ये सब कुछ हुआ है और एक पूरे जो मास्टरमाइंड है वो सारे पकड़े जा चुके हैं और कहीं पर भी ऐसा कोई केस नहीं आया। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बीच में पेपर लीक होगा, किसी का जीरोक्स करा के या प्रिंट आउट करा के आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, तो आप जहां जिस सेंटर में भी रहेंगे, एक बच्चा तो रहता नहीं है सेंटर में, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो हर बच्चे को पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि नीट क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा कैंसिल। ये इतना ख़तरनाक केस नहीं है, क्योंकि एक कमरे से स्टार्ट होता है, उसी कमरे में बंद हो जाता है। इस केस की कोई भी यहाँ पे अहमियत नहीं है कि 15 से 16 लाख बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम करवा सकें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, आपका जो डाउट हो वो भी पूछ लीजिएगा।